एक्शन ड्रामा और मार्डर वाली मूवीज देखते देखते लगा कुछ अलग देखते हैं। तभी मेरा नजर पड़ा एक मूवी पे जिसका नाम है पिनोकियो। हालांकि इस मूवी का और 3-4 रीमेक बन चुका है और उन्हीं में से एक है टॉम हैंक्स का, जिनकी मूवीज सबको देखना पसंद है पूरे दुनिया भर में, क्योंकि उनका मूवी सिलेक्शन और उन्हीं मूवीज का स्टोरी काफी अच्छा होता है, मजेदार भी होता है। लेकिन मेरे हिसाब से सभी मूवीज इंग्लिश में थी और मुझे भी सभी इंडियंस की तरह इंग्लिश से थोड़ा डर तो लगता ही है, तो इसीलिए मैंने नेटफ्लिक्स में जो है हिंदी में वही वाला देखा। आपको कौन सा देखना है वो आप देख सकते हैं अपने हिसाब से। और इस मूवी का एनिमेशन काफी अच्छा है और स्टोरी भी। इसके साथ कॉमेडी भी है जो आपको बीच बीच में हंसा भी देगा। और इसके साथ स्टोरी की बात करें तो एक बूढ़ा इंसान जो लकड़ी का पुतला बनाता है और उसके एक बेटा भी है कार्लो, लेकिन एक दिन मिलिट्री वाले अपना प्लेन का वजन हल्का करने के लिए नीचे एक मिसाइल गिरा देता है, जो जाके गिरता है एक चर्च पे, और उसी चर्च पे कार्लो और उसका पिता मूर्ति बना रहा होता है, और उसी धमाके में कार्लो मर जाता है। और उसी के याद में उसका गम भुलाने के लिए उसका पापा एक लकड़ी का पुतला बनाता है जिसके अंदर जान आ जाता है, और उसी का नाम होता है पिनोकियो। और वो अपने पापा को खुश करने के लिए सर्कस में चला जाता है ताकि वो सर्कस में अपना शो करके पापा को पैसा बेच पाए, और दूसरी तरफ उसके पापा उसे वापस लाने के लिए घर से निकल जाता है, लेकिन उनके बोट को एक बड़ा मछली जैसा क्रिएचर निगल जाता है। और बाद में पिनोकियो कैसे उनके पापा को बचाता है वो जानने के लिए आपको ये मूवीज देखनी होगी। तो अगर आपको भी कोई सिंपल बच्चों वाली फील के साथ कोई कोई अच्छी एनिमेशन वाला मूवी देखना है तो आप इस मूवी को जरूर देख सकते हैं। और दोस्तों, मैं मिलूंगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।